दोस्तों, क्या आपने टाइगर 3 के टीजर में ये नोटिस करी, जब टाइगर इस ब्रिज से नीचे कूद रहा होता है, ये वही ब्रिज होता है जो SRK की मूवी पठान में देखा था। जब पठान और टाइगर उस ब्रिज पर फाइट करके भाग रहे होते हैं तो वो ब्रिज वहाँ से टूट जाता है, जो बिल्कुल सिमिलर होता है इस सीन से। ऐसे ही मैंने टाइगर 3 के टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो ऐसी हिडन डिटेल्स देखी जो टाइगर 3 को और भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकती है। तो आइए जानते हैं। वेल, उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ डिटेल नंबर 9, टीजर के इस वाले फ्रेम में हम देखते हैं तो इस पे लिखा होता है इस टाइगर आर ट्रेटर। एक्चुअली ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस मूवी में टाइगर हमें गद्दार देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कंट्री है कौन सी, इंडिया तो नहीं है, क्योंकि इसके बोर्ड पर गौर से देखोगे तो यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये टर्की है, क्योंकि टीजर में हमें और भी लोकेशन देखने को मिलती है जो टर्की से बिलोंग करती है, और टाइगर की मोस्ट ऑफ दिस शूटिंग टर्की में हुई है। डिटेल नंबर 8, इस वाले फ्रेम में हम देखते हैं जिसमें बहुत से लोग न्यूज देख रहे हैं, एंड जस्ट उसके बगल में एक बस पे हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी टू होस्ट G20। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में इंडिया में G20 समिट हुआ था, बट इस मूवी की शूटिंग G20 समिट से बहुत पहले हो चुकी थी। एक्चुअली ये टाइगर 3 की बहुत परफेक्ट डिटेल है लाइव इवेंट को लेके, और माना ये जा रहा है कि G20 में कोई अटैक होने वाला है जिसको बचाएगा टाइगर या कोई और दूसरा स्पाई एजेंट, इसलिए यहाँ G20 समिट को हाईलाइट किया गया है, और ये केवल 2 बसों पे देखने को मिलेगा, बाकी के बसों पे देखने को नहीं मिलेगा। डिटेल नंबर 7, इस फ्रेम में जो सीन है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के अंदर का सीन है, क्योंकि ऐसा मैं इस लोकेशन और लोगों को देख के कह सकता हूँ। बाकी हमें टीवी में चल रहे न्यूज में भी हमें सुनाई देता है हिंदुस्तान का नामची रॉ एजेंट, यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर न्यूज चल रही होगी हिंदुस्तान को लेके। दुश्मन है, इसे पता था कि हिंदुस्तान का नामची रॉ एजेंट। टाइगर नंबर 6, इस फ्रेम में हमें सलमान भाई बहुत ही एंग्री लुक में नजर आ रहे हैं। ठीक उनके पीछे ये जो सोल्जर पड़े हैं ये पाकिस्तान आर्मी के हैं, क्योंकि एक फ्रेम में हमें पाकिस्तान के झंडे का बैज दिखाई देता है। बाकी इस आर्मी सोल्जर की जो गन है वो UMP-9 या मैं कह सकता हूँ UMP-45। वैसे सलमान भाई के हाथ में कौन सी गन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डिटेल नंबर 5, ये डिटेल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस डिटेल पे काफी बातें हो रही है, जिसमें लोगों का मानना है कि ये जो ब्रिज वाला सीन है वो पठान के बाद वाला सीन है। बट मैं आपको बता दूं, ये पठान के बाद वाला सीन नहीं है, बल्कि टाइगर 3 के अंदर वाला ही सीन है, क्योंकि हमें पठान वाला ब्रिज देखा था वो ट्रेन वाला ब्रिज था, और ये रोड वाला ब्रिज है, और अपने टाइगर ने जो पठान में कपड़े पहने वो दूसरे कपड़े हैं। इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये सेम सीन नहीं है। लेकिन हाँ, SRK पठान का इस मूवी में केमियो होने वाला है, ये चीज हम सबको पता है, और नहीं पता तो ये क्लिप सुनिए। मैं बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है, जिंदा रहना। ये तो पक्का है मूवी में हमको देखने को मिलने वाला है। डिटेल नंबर 4, इस वाले फ्रेम में जहाँ पे बॉम्ब जैसा कुछ फटा होता है, जस्ट वहीं साइड में सलमान भाई और कैटरीना दोनों को नोटिस कर सकते हैं। बस एक यही एक फ्रेम है टीजर में जहाँ हमें कैटरीना कैफ दिखाई दी है, एंड गौर करने वाली बात यह है जो लोकेशन है जहाँ पे घोड़े खड़े होते हैं, या तुम घोड़ों का अस्तबल देख सकते हो। डिटेल नंबर 3, इस फ्रेम में जहाँ टीजर के बीच में जहाँ लिखा आता है फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर पठान, जैसा हमें पता है टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, जिस स्पाई यूनिवर्स में ये तीनों मूवी आती हैं, टाइगर वॉर और पठान। बट आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो डिटेलिंग की गई है बहुत ही परफेक्ट की गई है, जहाँ पे टाइगर जिंदा है उसी फॉन्ट में लिखा होता है जिस फॉन्ट में टाइगर लिखा हुआ था, एंड जस्ट उसी के नीचे जो वॉर लिखा हुआ है वो उसी फॉन्ट में लिखा हुआ है जिस फॉन्ट में वॉर लिखा हुआ था। ठीक इसी तरह पठान भी उसी फॉन्ट में है जिस फॉन्ट में हमने देखा था, जो कि काफी परफेक्ट डिटेल लगी मुझे। डिटेल नंबर 2, इस फ्रेम में जब हम टाइगर 3 का एनिमेशन लोगो देखने को मिलता है, एकदम परफेक्ट था। जैसे कि जब टाइगर लिखा हुआ आता है तो आपने नोटिस किया ई और आर में से 3 बनके निकलता है, उस चीज को समझा नहीं सका मैं, तुम्हें देखने पर समझ आएगी कि ये बहुत ही क्लियरिटी से की गई है। यदि तुम मेरी भावनाओं को समझ गए हो तो लाइक जरूर कर देना। डिटेल नंबर 1, इस फ्रेम में जब आपने देखा कि जब लिखा हुआ आता है फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है वॉर एंड पठान, इसके बाद जस्ट हमें सलमान भाई दिखाई देते हैं, तो आपने नोटिस की होगी सलमान खान वही ड्रेस में दिखाई देते हैं जो उन्होंने पठान मूवी में पहनी थी। अब शायद मेरी बात गलत हो भी सकती है, बट मेरे हिसाब से
ये दोनों ड्रेस सेम है। वेल, अभी टाइगर 3 का ट्रेलर भी आने वाला है जिसकी मैं भर भर के डिटेल्स निकालने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं टाइगर पठान एंड वॉर में क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी जल्द बताने वाला हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी सारी वीडियोस देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।